बिस्मिल्लाह। सप्लाई चेन मैनेजर, अगर उसको फर्स्ट जॉब मिल गया, वो कोई BBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट करके आया, MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट करके आया, उसने कोई सर्टिफिकेशन डिप्लोमा किया है, तो अब उसको फर्स्ट जॉब मिल गई है सप्लाई चेन मैनेजर की, तो अब ये जो सीरियल पीछे हमने किया है लेक्चर नंबर 1 से लेकर 24-25 जितने हुए हैं, तो इनको कंक्लूड करते हैं कि जब वो सीट पे बैठेगा तो वो सारा कुछ उसने पढ़ा है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करेगा। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ मैनेजमेंट लगती है, जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जैसे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट है, जैसे कोई और मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैनेजमेंट का लफज आता है, तो ये मैनेजमेंट क्या है? सप्लाई चेन तो होगी कि जी जो सप्लाईज आ रही हैं उसकी एक चेन बनी हुई है, सोर्सिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन एंड तक, तो ये एक चेन है, तो ये सप्लाई चेन है, तो मैनेजमेंट क्या है? और किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में अगर मैनेजमेंट आती तो वो क्या? तो मैनेजमेंट से मुराद होती है कि उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस अदारे की मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से मुराद है कि वो CEO या ऑनर जो बैठा है उस अदारे को चला रहा है, उस कंपनी को चला रहा है, तो वो उसकी मैनेजमेंट। क्योंकि जितने भी मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं ये एम्प्लॉयज बेस्ड नहीं होते, मतलब एम्प्लॉयज को अथॉरिटी दी जाती है लेकिन वो उस वक्त तक उसको उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जितनी देर तक मैनेजमेंट जो उसका ऑनर है या जो बैठा है वहाँ पे उस टोटल को मैनेज कर रहा उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो हर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट उस वक्त बेस्ट इम्प्लीमेंट होता है जब मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। तो इसीलिए किसी भी सप्लाई चेन मैनेजर को उतना टास्क दिया जाता है जितना मैनेजमेंट चाहती है। मैनेजमेंट कभी भी कोई ऐसा टास्क उसको नहीं देती जिसमें खुद इन्वॉल्व ना हो, मतलब वो अपनी टोटल सप्लाई चेन को किसी मैनेजर के ऊपर नहीं छोड़ देंगे, खाब कितने कंपिटेंट क्यों ना हो, वो खुद इन्वॉल्व होंगे, उसके साथ खुद काम करेंगे, खुद उसको सुपरवाइज करेंगे और देखेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो। ये नहीं पॉसिबल कि खा कितने ही कोई टैलेंटेड सप्लाई चेन मैनेजर हो तो उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए कि भाई ये मैंने आपको जॉब पर रख लिया अब आपने करना है, तो ऐसे नहीं होगा। अगर सप्लाई चेन मैनेजर अपनी मैनेजमेंट को कुछ ओपिनियन देता है, कोई डिसीजन के मतलब गाइड करता है, कोई प्रेजेंटेशन देता है कि सर ये होना चाहिए, ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, तो अब वो मैनेजमेंट उसको खुद अगर समझ दिया कि ये होना चाहिए तो वो उसको यस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट का लफ्ज इनके साथ लगाया जाता है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, कोई ISO की और सर्टिफिकेशन है उसके साथ मैनेजमेंट, सप्लाई चेन के साथ मैनेजमेंट। और एक और बात कहूँ कि जितने भी मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं ये कुछ स्टैंडर्ड सब्जेक्ट नहीं होते, यानी इस तरह से स्टैंडर्ड नहीं होते कि जी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक करना है। जैसे कि प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट में आपके पास एक डिमांड आएगी, फिर उस डिमांड के ऊपर आप कोटेशन कॉल करेंगे, फिर कंपैरिजन बनेगा, फिर PO इशू होगा जो उसकी लोएस्ट प्राइस होगी, फिर वो आपको शिपमेंट या डिस्पैच हो जाएंगी गुड्स स्टोर के अंदर, फिर आप उसकी इनवाइस लेंगे, GRN लेंगे, पेमेंट बनाएंगे और चेक कस्टमर को दे देंगे। ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है कि जी यहाँ से शुरू हुआ, सोर्सिंग से कोटेशन लेने से या इंडेंट आने से शुरू हुआ और पेमेंट या चेक देने में ख़त्म हो गया, तो एक प्रोसेस और जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, जितने भी इंडेंट या जितनी भी डिमांड आएंगी वो सब इसी पैटर्न से होती हुई अपने फ्लो को पूरा करेंगी और ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन सप्लाई चेन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है कि जी यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म करना है, यानी जिस जगह से शुरू किया तो इसको एंड तक भी आप ही ने लेके जाना, ये लाजमी नहीं है। पॉसिबल है कि जो कंपनी है, ऑनर है, मैनेजमेंट है, वो आपको सप्लाई चेन का एक छोटा पोर्शन दे, सोर्सिंग का पोर्शन दे, सोर्सिंग से प्लस वेयर हाउस आपको साथ लगा दें, या वेयर हाउस के साथ आपको प्रोक्योरमेंट लगा दें, या प्रोक्योरमेंट के साथ फिर आपको प्रोडक्शन भी दे दें कि आपने इतना करना है, बाकी को रहने दें, हम देखेंगे या फलां देखेगा, या डिस्ट्रीब्यूशन लगा दें, सेल मार्केटिंग आगे कर दें। तो ये जितने जो चेन चल रही है सप्लाईज की, तो ये डिपेंड करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर के वो कितना देंगे। अगर वो टोटल सप्लाई चेन भी आपके हैंडओवर कर देते हैं तो फिर भी वो सुपरविजन रखेंगे और देखेंगे कि डिसीजन खुद करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि अच्छा जितना हो रहा है ये ठीक है और बाकी के लिए आप ये करें ये करें। आप अपनी एक्सपर्टी उनसे शेयर कर सकते हैं लेकिन ऑर्डरली या जो डिसीजन है वो मैनेजमेंट करती है। इसीलिए सप्लाई चेन को सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहा जाता है कि ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है
क्योंकि सारे बिजनेस का इन्हिसार उसी सप्लाई चेन के ऊपर होता है, तो सप्लाई चेन को ऐसे ही कोई मैनेजमेंट नहीं छोड़ सकती। तो मैनेजमेंट से मुराद है वो उस कंपनी की मैनेजमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट, खा वो ये मैनेजमेंट सप्लाई चेन की हो, खा ये फूड सेफ्टी की हो, या किसी भी और सब्जेक्ट की हो। तो जिस जगह भी सब्जेक्ट के साथ मैनेजमेंट आता है, तो इस मीन कि आपने जो करना है वो मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन से करना है, उनको साथ कोलैबोरेट करते हुए करना है। तो जो असल टॉपिक था शायद मैं वो भूल गया हूँ, तो इसको जो सप्लाई चेन की सेगमेंटेशन का कंक्लूजन है, इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।